एक बार फिर हम आप सबकी सेवा में एक बहुत सुंदर भजन जिसमें लाचारी भी है, प्रार्थना भी है और बहुत सुंदर रचना की है हमारे सम्मानीय पुष्पेंद्र दुबे जी उर्फ कुमार सागर, जो सागर निवासी है। बहुत अच्छी एक अलग प्रकार की विनती भाव इस भजन में है, सुने आप। कहा के हैं भगवान के हूँ राम तुम्हारे चरणों में, हूँ राम तुम्हारे चरणों में, लेकिन मुझको पूजन का पता नहीं। हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता नहीं। क्या बात, भगवान आपकी शरण में तो है लेकिन पूजना प्रार्थना अर्चना कुछ नहीं जानते, क्यों? हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता। अरे कल क्या होगा वो तुम जानो, कल क्या होगा वो तुम जानो, मुझको जीवन का पता नहीं। कल क्या होगा वो तुम जानो, मुझको जीवन का पता नहीं। हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता नहीं। पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बाकी ये बुंदेलखंड अच्छे कलाकारों की खान है, जहां कुछ लोग बहुत अति गंदगी लिख रहे हैं वहां ऐसे भी रत्न पड़े हैं बुंदेलखंड में। हमारे सम्मानी पुष्पेंद्र दुबे उर्फ कुमार सागर, इनकी किताब भी छपी है। अलग बात है कि भगवान आपकी शरण में है, पूजा नहीं जानते हैं, और कल क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं। क्या सुंदर विनती है भगवान। ये कलयुग है, इस कलयुग में मति मंद हुआ मैं अज्ञानी। ये कलयुग है, इस कलयुग में मति मंद हुआ मैं अज्ञानी। तुम ज्ञानवान, तुम ज्ञान निधि, तुम ज्ञान ज्ञान के भंडारी। तुम ज्ञानवान, तुम ज्ञान निधि, तुम ज्ञान ज्ञान के भंडार। और घट घट के तुम हो, घट घट के हो तुम तो पासी, क्या लीला तुमने पता नहीं। घट घट के हो तुम तो पासी, क्या लीला तुमने पता नहीं। हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता नहीं। शरण में भगवान, और प्रयास करते हैं कि आपका भजन कीर्तन हो जाए, लेकिन ये कलयुग बहुत परेशान करता है महाराज। कैसे? मैं ध्यान लगाता हूँ तुम में, मैं ध्यान लगाता हूँ तुम में, पर ध्यान भटक ही जाता है। कलयुग बहुत परेशान करता है महाराज, आपका भजन करने बैठे तो। मैं ध्यान लगाता हूँ तुम में, पर ध्यान
भटक ही जाता है और मन चंचल है, ये इधर उधर दर्द की ठोकरें खाता है। जो अपने नहीं है उन्हें अपना समझ रहा है ये मन, और आप अपने हो तो आपसे भटकता है, बड़े परेशान है महाराज। मन चंचल है ये इधर उधर दर्द की ठोकरें खाता है, ए माया जाल में भटक गया। ये हमारा ये नाते हमारे, रिश्ते हमारे, जमीन जायदाद हमारी, जो हमारा नहीं है उसको हमारा समझ रहा है। ए माया जाल में भटक गया, मंजिल का मुझको पता नहीं। ए माया जाल में भटक गया, मंजिल का मुझको पता नहीं। राम तुम्हारे चरणों में मुझको पूजन का पता नहीं। हे भगवान, आप ही बचा सकते हो इस कलयुग की मार से। क्यों? तुम दीपक हो ज्योति न्यारी, तुम दीपक हो ज्योति न्यारी, अंधकार तुम्हीं से हारा है। जो भक्त बड़ा छोटा कोई, हर भक्त तुम्हें तो प्यारा है। भगवान, हूँ राम नाम जपने वाला, हूँ राम नाम जपने वाला, क्यों लगी लगन कुछ पता नहीं। हूँ राम नाम जपने वाला, क्यों लगी लगन कुछ पता नहीं। तुम निर्मल हो शीतल जल हो, तुम निर्मल हो शीतल जल हो, पीकर आत्मा की प्यास बुझे। तुम निर्मल हो शीतल जल हो, पीकर आत्मा की प्यास बुझे। इस जन्म मरण के चक्कर से मिलवे छुटकारा सदा मुझे। भगवान, मैं लीन हुआ श्री चरणों में, और मैं लीन हुआ श्री चरणों में, मुझको चेतन का पता नहीं। मैं लीन हुआ श्री चरणों में, मुझको चेतन का पता नहीं। हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता नहीं। आखिरी लाइन लिख रहे हैं हमारे सम्मानित पुष्पन दुबे जी कुमार सागर। क्या भजन लिखा है, क्या लाइन लिखी है, और बिल्कुल सच्चाई की बात है। भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगन ऐसी लगा लो जैसी एक प्रेमी प्रेमिका के लिए लगन लगाती है, कुछ नहीं दिखता है रात में। जिस दिन ऐसी लगन लग जाएगी, भगवान का मिलना बिल्कुल संभव है। जैसी नाती बच्चा बहू परिवार में जैसी लगन लगाए हो, रुपया जमीन जायदाद कमाने में जैसी लगन लगाए हो, ऐसी लगन जिस दिन भगवान से लगा लोगे भगवान मिल जाएंगे। भगवान के नाम पर जिस दिन तुम संसार में पागल घोषित हो जाओगे,
भगवान के भजन में जिस दिन संसार के लोग तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, घर के परिवार के मित्र मंडली सब भगवान का साक्षात्कार आपसे हो जाएगा, पक्की मानो। लेकिन भगवान के भजन के प्रति बेचैनी आ जाए तब है, इसलिए लाइन आई है, आखिरी लाइन है भगवान। और ये जो रचना है हमारे सम्मानित पुष्पेंद्र दुबे जी की एक पुस्तक छपी है, उसका नाम है उसकी आकर बातों में, किताब का नाम है ये, किताब ढूंढ लेना मिल जाएगी, बहुत से भजन है उसमें। आखिरी विनती है कि महाराज कर मर जाऊं सागर में तो, कर मर जाऊं मैं सागर तो, अरे तुम आना पार लगाने को। बड़ी अच्छी सोच है, हट के सोच लिखी है। हम प्रयास करते हैं कि कोई भजन ऐसा नहीं गाते जिसमें कुछ नई बात नहीं हो, बात तो वही है पुरानी, भजन करो लेकिन लेखनी शब्द नए, नई विचारधारा, नए शब्द हो। कर मर जाऊं मैं सागर तो, तुम आना पार लगाने को, और मैं भूल गया तो क्षमा करना, तुम भूल न जाना आने को। महाराज अगर अंतिम समय मरते समय हम तुम्हें ना बुला पाए, ना पुकार पाए, तो एक गलती हमारी क्षमा करके आप आ जाना लेने को। वाह, मैं भूल गया तो क्षमा करना, तुम भूल न जाना आने को। अरे कब छूटेगा मैं क्या जानू, कब छूटेगा मैं क्या जानू, जीवन पर धन का पता नहीं, कब छूटेगा मैं क्या जानू, धन का कुछ पता नहीं। और ऐसे गीत, इतने सुंदर गीत, हम बार बार आपसे विनती करते हैं कि पवन कैसेट टीकमगढ़ पठा, जब भी आपको परिवार में सुनने के लायक गीत हो, जब भी माँ बहनों की फरमाइश हो कि कोई अच्छा गीत निकालो, अच्छा लोकगीत निकालो, अच्छी विधा निकालो, तो पवन कैसेट सर्च कर लेना, और राम किशोर मुखिया सर्च करके निकालना, पवन कैसेट साथ में निकलेगी, गठबंधन जोड़ा। जब भी हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हों, अथाई में बैठे हों, दुकान में बैठे हों, घर में बैठे हों, जब भी अच्छे गीत की भजन कीर्तन लोकगीत की फरमाइश घर के लोग करें, तो पवन कैसेट सर्च कर लेना, और आंख बंद करके किसी भी गीत पर उंगली दबा देना, जो भी गीत किसी का भी आएगा, चाहे हमारा चाहे किसी का, सब गीत मर्यादित आएंगे। और बुंदेलखंड में एकमात्र पवित्र चैनल है, साफ सुथरा चैनल है, तो पवन कैसेट, और इसको साफ सुथरा बनाया है बुंदेलखंड की पूजनी जनता जनार्दन ने, और जनता जनार्दन ने पवन कैसेट को और रामकिशोर मुखिया की बकवास को जो स्वीकार किया है, आपके चरणों में लाखों बार नमन है, वंदन है। सुने आप, और ऐसे ही आशीर्वाद दे हमारे सम्मानीय पुष्पेंद्र दुबे कुमार सागर जी के लिए, ऐसे ही आशीर्वाद दे, ऐसे ही अच्छी अच्छी रचनाएं आप तक भेजते रहे। कब छूटेगा मैं क्या जानू, जीवन पर धन का पता नहीं, हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता नहीं, हूँ राम तुम्हारे चरणों में, मुझको पूजन का पता नहीं, कल कल क्या होगा वो तुम जानो, मुझको जीवन का पता नहीं, मैं राम तुम्हारे।